नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज 15 अगस्त देश की आजादी के महापर्व पर वसई में मुस्लिम समाज, जिसमें बोहरा मुस्लिम एवं सुन्नी मुस्लिम मस्जिद के प्रांगण में ध्वजारोहण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। सुबह के 8:30 बजे हुसैनी कॉलोनी बोहरा मस्जिद में समाज प्रमुख आमिर साहब ने झंडा लहराया। 9 बजे वसई गांव की बोहरा मस्जिद प्रांगण में वसई गांव के आमिर साहब एवं वसई विधान मनपा के पूर्व महापौर प्रवीण शेट्टी ने मिलकर ध्वजारोहण किया, जहां मनपा के पूर्व सभापति आफिफ जमील शेख भी मौजूद थे। वसई हुसैनी कॉलोनी और वसई गांव दोनों एक जगह के कार्यक्रम में बोहरा समाज के स्काउट बैंड ने छोटे छोटे बच्चों ने राष्ट्रीय गीत की धुन बजाकर देश के तिरंगे को सलामी दी। इन दोनों ही मस्जिदों के अलावा मुस्लिम समाज वसई ने दीनदयाल नगर की जामा मस्जिद प्रांगण में मस्जिद के इमाम साहब ने झंडारोहण कर देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी। वीडियो में आगे सुनिए वसई विरार मनपा पूर्व महापौर, पूर्व सभापति और दीनदयाल नगर मस्जिद के इमाम साहब को। आज नवदी बोहरा समाज की तरफ से आयोजित भारतीय स्वतंत्रता दिन के समारोह में मुझे आने का नसीब प्राप्त हुआ है। हर साल आता हूँ, हर साल एक अच्छा प्रोग्राम उनका तरफ से आयोजित किया जाता है और मेरे नसीब से उसमें शामिल होने की मुझे खुशनसीबी मिलती है। ये समाज जो है धौरी बोहरा समाज, बिजनेस माइंडेड एक अच्छा समाज, डिसिप्लिन, कोई भी अच्छा काम होगा तो हर बार उसमें बड़ी तादाद में उन लोग शारीरिक होते हैं, तो उनको मैं इस स्वतंत्र दिन के तरफ से पूरे समाज को, पूरे देश को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज के 15 अगस्त के इस प्रोग्राम में दाऊदी बोहरा समाज के यहाँ पर मुझे आने का अवसर मिला, उसके लिए मैं यहाँ के इमाम साहब और दाऊदी बोहरा समाज के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हर साल की तरह आज का प्रोग्राम भी एक अच्छा प्रोग्राम हुआ है और आने वाले सभी प्रोग्राम के लिए मैं सबको, आप सबको शुभकामनाएं, और आपसे मिल के भी बहुत अच्छा लगा और आपके बीच में आकर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आज झंडा लहराया गया 15 अगस्त के दिन, इसके लिए आप क्या पब्लिक को सुझाव देना चाहते हो और क्या बोलना चाहते हो? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज यहाँ पर झंडा फहराया गया और 15 अगस्त का दिन मनाया गया, और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये दिन हमें बिल्कुल भी फरामोश नहीं करना चाहिए। ये वो अजीम दिन है कि हमारे उलमा इकराम ने कई सारी कुर्बानियाँ इस दिन को हासिल करने के लिए दी हैं, और अल्लामा फजल अहमद खैराबादी, सैयद किफ़ायत अली काफ़ी अलैहि रहमा, और मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी, अहमदुल्ला शाह मदरासी अलैहि रहमा, और मौलाना हिदायत रसूल, ऐसे बड़ी बड़ी ज़ात हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ इस आज़ादी को हासिल करने के लिए दी हैं, तो हम ऐसे ही उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दे सकते। तो इसीलिए उन बुजुर्गान दीन को याद करना भी ज़रूरी है, और इस दिन के अंदर हम सबको तमाम लोगों के दरमियान एक एकजहती का पैगाम भी देना होगा। हब नहीं
सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशन हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। अभी के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।